गर्म पानी से नहाना चाहिए और मरीना को बेसुराही से ही गाना चाहिए। ये क्या, पानी तो चला गया। लगता है शार को पानी का बिल भरना भूल गया। अभी उसे याद दिलाती हूँ। फोन उठाओ। शार को, तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। अरे मैडम जी बुलाए और शार को वहाँ ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत फ्रेशनर अच्छा तो है ना? अरे मेरा हेयर स्टाइल देख के मैडम जी खुश हो जाएंगी। वो देखो शार को जा रहा है मरीना से मिलने। यार मैडम जी मैं आ रहा हूँ और साथ में मैं भी आ रहा हूँ। यार भाई बोले तो आज बहुत मजा आएगा। ये लीजिए मैडम जी, चालू हो गया आपका शावर। बहुत अच्छे। ये क्या शार्को, तुम गए नहीं? मुझे शर्म आ रही है। सॉरी मैडम जी। मेरा किट वहाँ कैसे पहुँच गया? बाय बाय शार्को, अपना ख्याल रखना यार। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊ। ओ मरीना, खाऊंगा तुम्हें लगा के धनिया पुदीना। यूकी, तुम कितनी मस्ती करते हो, शांत हो जाओ। बोले तो यहाँ बाहर वालों का आना मना है। शार्को, आज से तुम्हारे लिए इस घर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद। जब सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद हो जाए तो टेरिस के रास्ते से अंदर जाना चाहिए। अरे खोल दरवाजा। बोले तो खोल दिया। और ले जूस पी पी कर मेरे पेट में गड़बड़ी हो गई है यार। ए सर्किट, कबाब में हड्डी मत बन। बोले तो बेस्ट ऑफ लक। पता नहीं इसे खाने के लिए और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे यार। मुझे ये खाना नहीं खाना। ए मरीना, आई हेट टीयर्स। अभी खाता हूँ यार। ओ मरीना, तुम अब तो खुश हो ना? हाँ? ये लो तुम्हारे लिए स्पेशल हक्का नूडल्स। भाई बोले तो मेरे रहते यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो तुम किस खेत के प्यासे भाई? और बिना दूध के खीर, मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकता है। बोले तो खिलाड़ी बन गया अनाड़ी। अरे भाई बोले तो ये महाशय पड़ोसियों तक के घोड़े बेच के सो गए। अब भी जगाता हूँ भाई को। बोले तो जगाओ क्या भाई? अभी तुमको इसको खाना ही पड़ेगा। बोले तो अभी के अभी। लो हाजमोला जूस पी लो। अरे भाई गई मेहनत पानी में। लेकिन बोले तो ये महल पे हमला कौन कर रहा है? बाहर निकल। लगता है तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। धूप में खड़े रहोगे तो जल जाओगे। अब जाओ यहाँ से। ओ कितने गंदे हो गए तुम, कभी नहाते भी हो या नहीं? बोलो तो भाई, इसकी दोस्ती से मुझे डर लगने लगा। कुछ मत बोल, मुझे अच्छा लग रहा है यार। तू जा। अरे ये शार्को तो अपने ही घर में हमला करवा रहा है, बुरा नहीं है। वाह क्या बहादुर सिपाही भेजे हैं, खुद को देखकर ही भाग निकले। भाई बोले तो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो डिब्बा खोल देना चाहिए भाई। ये लो साफ हो गई तुम्हारी ड्रेस। साफ नहीं, कम हो गई, साथ में तुम्हारा दिमाग भी। जाओ जाकर अपना इलाज करवा। बोले तो पहले कोई मेरा इलाज करो। बोले तो मुझे बचाओ भाई। फिकर मत करो सर्किट, मैं तुम्हें बचा लूंगी। यहाँ आराम करो और अपनी पसंद की फिल्में देखो। ये लो तुम्हारे लिए सूप, पियो। बोले तो ये लो पूरे महीने का मेन्यू, अब जल्दी जाओ। भाई दुनिया में बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। सही कहा यार। ओ, तुम्हें तो बहुत ही बड़ी बीमारी हुई है, तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देनी होगी यार। स्पेशल ट्रीटमेंट से पसीना आने लगा है? मैं तो मजाक कर रहा था भाई। बोले तो लेकिन मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ। किसी होटल में इतने बर्तन धोता तो दो टाइम का खाना मिलता भाई। बस बहुत हुआ मरीना। ये कैसी आवाज थी? बोले तो कोई मेहमान आया है, हम उसी से ये बर्तन धुलवाएंगे भाई। ये कौन है?
कितना प्यारा है ये, चलो मेरे साथ चलो। ये तो कितना पीती है ये। ओए प्याज के छिलके, मैं अभी तेरा छिलका निकालता हूँ। भागो यार, शेर को पागल हो गया है। अरे शेर को सच में लग जाएगी, मजाक मत कर भाई। वैसे तुम सीरियस हो या मजाक कर रहे हो यार? अरे मैं सीरियस हूँ। तो फिर ठीक है भाई, क्योंकि ऐसे मामलों में भाई को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे आज कुछ भी हो जाए, मेरे हाथों से तुम दोनों नहीं बचोगे। बचो! अरे शार्को, जोश में होश मत खोना, क्योंकि बाद में पड़ेगा पछताना। बोले तो अपनी आखिरी इच्छा याद कर लो भाई। आखिरी इच्छा क्यों? हम बच गए सर्किट। तुम तो बच गए, लेकिन मरीना का महल नहीं बचेगा। बुरा नहीं है। दिल तोड़ दिया, अब वो तुम्हें तोड़ेगी यार। मेरा महल मिट्टी में मिल गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पतली गली पकड़ ले सर्किट, जल्दी से काम पे लग जाओ। भाई बोलो तो अपने साथ मुझे भी फंसा दिया। शार्को, तुम्हारे हाथ में जादू है। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। अरे जल्द जल्दी उठ, मरीना का खाने का वक्त हो गया है। मुझे जल्दी से तैयार होकर जाना पड़ेगा यार, क्योंकि मरीना और शार्को मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सर्किट बहुत काम कर लिया यार, चलो मेरे साथ ले आओ। वक्त बीतता जा रहा है, जिग अब तक क्यों नहीं आया? मेरे हाथों मार खाने लगता है आ गया। अरे जिग क्यों करता है जिग, जो इतने दिनों में नहीं हुआ वो आज कैसे होगा? आ गया जिग, चलो हाथ साफ करने का वक्त आ गया है। भाई बोले तो मैं तो नहा के आया था, फिर मुझे क्यों धोया? भाई लगता है आज ये मुझे फिर से पिटवाएगा। ना जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने सालों से ये चलता रहा है। अब तो जिद को मार खाने की आदत सी हो गई है, बुरा नहीं है। भाई ये रोज रोज की मार से मैं थक गया हूँ, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। बोले तो आज मैं ये किस्सा खत्म ही कर डालता हूँ। अरे भाई बोले तो ये ओवर एक्सरसाइज की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें कुछ दिखा दो भाई। बोले तो वो देखो, देखो ना भाई, ये तो मरीना है यार, क्या बात है। आज मौका भी है और दस्तूर भी है यार। लेकिन मरीना बिना पंखे उड़कर कहाँ जा रही है? हाँ। ये क्या हो गया? मरीना को खाने का मेरा सपना अधूरा रह गया है यार। भाई तुम्हारी मरीना को कुछ नहीं हुआ, बोले तो ये देखो, ये हुई ना बात। बोले तो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये लो भाई, अपना मुंह मीठा कर लो। आज तो इसकी जुबान भी बहुत खुश है, खुशी से कहीं यह पागल ना हो जाए। अगर हो भी गया तो बुरा नहीं है। भाई सो जाओ, बोले तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी भाई। Ha 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 ha!
आज मेरे मक्खिया मारने का मन कर रहा है। क्या सच में मैंने शार्कों की मार खाने के बजाय मरीना को खा लिया? हाँ ये कमाल की बात है, इतनी देर हो गई और जेक मार खाने के लिए आया नहीं। बदमाश का नाम लिया और बदमाश हाजिर। आ जा। अच्छा तो यहाँ छुपा है। सॉरी ओए जेक। सॉरी जेक, आखिर गया तो गया कहाँ? कहीं मिस्टर इंडिया तो नहीं हो गया? ओए भाई, बोले तो मेरा फाइटर प्लेन तैयार हो गया भाई। तो मैं क्या करूं? आखिर ये जेक अब तक आया क्यों नहीं? लगता है मुझे उसके घर जाकर देखना होगा। ओ शार्को, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। अरे बस कर पगले बस कर, मुझे भी रुलाएगा क्या? चल चल के टेनिस खेलते हैं। अरे जिद, तुझे पता है मेरे स्कूल में टेनिस में मैं हमेशा लास्ट से फर्स्ट आता था। ओके, मैं भी खेलूंगी तुम्हारे साथ। भाई ने इसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। बोलो तो मरीना, एक मिनट रुको ना। वो तो मरीना है यार। बोले तो हल्लो भाई, लगता है ये मेरा वहम था। सनस्क्रीन लगाने से बॉडी अच्छी रहती है, आप जरा मेरी पीठ पर भी लगा दे। लगाना। मरीना भाई, बोलो तो मरीना का स्टैचू कैसा रहा भाई? मैं तो डर ही गया था। ये क्या, मरीना का भूत? अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कोई मुझे बचाओ यार। लिफ्ट मिलेगी प्लीज? जो मैंने देखा वो तुमने देखा क्या? अरे मुझे क्या पता कि तू रात दिन क्या क्या देखते रहता है। हेलो जेग। अरे बोले तो मेरे प्लान पर क्यों झाड़ू घुमा रही हो भाई? जेग मैं यहाँ मुझे बचाओ, मरीना का भूत मुझे मार डालेगा यार। वाओ। अरे जिग, ये तू क्या कर रहा है? अपने केक की सजा लोगों को क्यों दे रहा है? आल तुझे लाल तू, आई बला को टाल तू, बचाओ ना। रिलैक्स हो जाओ जिग। बोले तो भाई अभी खतरे से बाहर है, मरीना अंदर चलो। कैसे हो जग? बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो यार। बोले तो भाई ये जिंदा है, सुनो इसके दिल की धड़कन सुनो। मरीना तुम जिंदा हो, अच्छा हुआ तुम जिंदा हो यार। ओए, फिर से इसने मैडम जी को फुसलाना शुरू कर दिया। ये लो, इसे कहते हैं लातों के भूत, बातों से नहीं मानते, बुरा नहीं है। गुड मॉर्निंग सर्किट। मेरा फाइटर प्लेन फिर से बनाना पड़ेगा भाई। टेंशन मत ले, मैं उसे पूरा होने भी नहीं दूंगा यार। शार्को गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाने के लिए टेनिस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है, लेकिन जिग ने उसके मेहनत कचरे में मिला दे। बुरा नहीं है। अब आगे मेरा दिमाग की आग मेरी आंखों में उतर गई है। अब तुझे दिखाता हूँ मेरे 2.5 किलो के हाथ का दम। शार्को माफ कर दे यार। बड़ा टेस्टी है, ले तू भी खा। बचाओ, एक पांडा ने मेरा हाथ काट लिया। यही है वो, भागो। ओ
मरीना ही बचा सकती है यार। ओ प्लीज मरीना, हमारे दोस्त को बचा लो ना, बदले में हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे यार। ओए, उसे ये बैंडेज लगा दे और यहाँ तेरे मगरमच्छ के आंसू नहीं चलेंगे। शार्को, ये मजाक का वक्त नहीं है, चलो मेरे साथ। देखा सर्किट, मैंने कैसे इन्हें झांसा दिया। अच्छी सेहत के लिए एरोबिक्स करना अच्छा होता है। ऐसा है तो मैं भी करूँगा। मैम क्या बात है, तुम तो मेरे फैन बन गए। चलो साथ मिलकर एरोबिक्स करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 जब एक पागल दूसरे पागल से मिलता है तो ऐसा ही जश्न होता है, बुरा नहीं है। ओह शार्को, तुम्हें पता है ये रास्ता कहाँ जाता है? मैडम जी, मुझे अच्छी तरह से पता है, ये रास्ता यही रहता है, कहीं नहीं जाता। ये रास्ता कितना भयानक है। ओह मकड़ी, शार्को तुम्हारे लिए गिफ्ट। क्या गिफ्ट है, दिखाओ ना मैडम जी जल्दी। पापा, ये मैं कहाँ गया? कोई बात नहीं, थोड़ी सी धूप सेक लेता हूँ। कितना डरपोक है यार। ओए मुझे गुस्सा मत दिला। अरे जिग तो भाग गया, अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा? ओ शार्को, डर के आगे मेरा मोबाइल है, ये हमें रास्ता दिखाएगा, चलो मेरे साथ। मैडम जी यहाँ तो कदम कदम पर खतरा है। मैडम जी रुकिए। देखा सर्किट, इतना बड़ा होकर छोटी चीजों से डरता है। भाई बोले तो मरीना और शार्को को रास्ते से हटाने के लिए हम इस पेड़ को काट डालते हैं। भाई चल साइड हो जा, ये तो मेरी कुल्हाड़ी का काम है। कुल्हाड़ी नहीं तो अरही सही। ये पेड़ कटता क्यों नहीं यार? बोले तो तुम किसी भी काम के नहीं हो भाई। क्यों, खत्म हो गई तेरी मटर गस्ती, अब मेरी बारी। मैडम जी वो टेडू तो बड़ा ही डेंजर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं मैडम जी, आप टेंशन मत लो, आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। रास्ता तो यही है, संभल कर चलना यहाँ। मैडम जी आपको और कोई रास्ता नहीं मिला क्या? शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ रहा है यार। सही कहा, तेरी वजह से मेरा शिकार। भाई इन्हें किसने बुलाया? अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार? क्यों, क्या हुआ? आगे क्यों नहीं बढ़ते? बड़े आए थे हमें खाने। अरे जिग ये मत भूल कि यह उनका इलाका है, ये अच्छी तरह जानते हैं कब कहां से कैसे कौन सा मोड़ निकलता है। योगी, ये आवाज कैसे? कहीं उस स्टेडियम ने जिग और सर्किट को बड़ी पहाड़ी से धक्का तो नहीं दे दिया ना? क्या मैं सही सोच रहा हूँ? शार्को, तुम्हारा ध्यान किधर है, जल्दी चलो। बोलो तो भाई, हम उन्हें फूल बनकर फूल बनाएंगे। ये लो, इन्हें तो अपनों ने लूटा। ओह, कितना सुंदर फूल है, क्या खुशबू है। मेरी अनारकली के लिए ये अनार ठीक रहेगा, मेरा मतलब ये कली ठीक रहेगी। मोटी तुझे देख के तो मुझे डरना चाहिए, तेरी जगह यहाँ है। ओए, ये तो सिख की खाल है, एडू ने मेरे दोस्त की खाल उधर दी है। आज के लिए इतनी डांस मस्ती काफी है, बाय बाय दोस्त, फिर कभी नहीं मिलेंगे। आया ओए, मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया। मैं आ रहा हूँ मरीना। ओह ये क्या, मोबाइल की बैटरी को भी अभी खत्म होना था। आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाना मैडम जी। ओ ये तो जिग है, अच्छा हुआ तो मिल गया मेरे दोस्त, वरना मैं किसको पीटता। कहाँ चले गए सब? लगता है उस टेडू ने सबको किडनैप कर लिया है। मैडम जी कहाँ चली गई? लगता है उस टेडू ने सबको किडनैप तो नहीं कर लिया। ओए टेडू, आप तो गया काम से। बचाओ! आया,
हाय मरीना, हाय दोना। मुझे मत मारो, बचाओ। ओए, ये तो मैडम जी की आवाज है। मैडम जी से पहले तुझे मुझसे दो दो हाथ करने होंगे। बचाओ। ओए मेरे पास मत आना, मत आना, वरना मेरी खैर नहीं। लगता है तुमने कराटे किट देखी नहीं। कोई बात नहीं, ट्रेलर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, पिक्चर तुम सीधी खरीद कर देख लेना। आया भाई, बोले तो अच्छा है मौका, मार दो चौका। लगता है आजकल के बड़े दूध नहीं पीते। आया तुम तीनों को मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हम तो बिल्कुल ठीक है मैडम जी। हाँ मरीना, ये देखो गरबा भांगड़ा सब करूँगा। ये तो चले भी जैसे सीधे हो गए।